हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में हमने नेगेटिव्स ये देखा था। इसमें मैंने आपको ये लर्न करने के लिए कहा था, तभी आप इसके नॉट के शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, और ये आपको लर्न करना ही है। ओके, अब चलो आगे हम करेंगे आज क्वेश्चन टू। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स एंड राइट नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स। फिर से देखें, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, यानी कि इधर कहा गया है कि इस सेंटेंस में जिस वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन दी गई है, उस वर्ड्स के बदले में हमको ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है वो लिखना है। ओके, जैसे कि इधर एलिफेंट दिया है और एलिफेंट के नीचे अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये है कि हमको इधर एलिफेंट नहीं लिखना है, पर क्या लिखना है, रैबिट। तो देखो इधर रैबिट लिखा हुआ। उसके बाद है एंड राइट नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर हमको देखो एंड राइट नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर हमको नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने। नेगेटिव सेंटेंस कब बनेंगे, जब सेंटेंस में हम नॉट लिखेंगे, है ना। तो इधर देखो, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इसमें कहीं भी नॉट आया, नहीं आया, तो हमको इसमें नॉट यूज करना है। ओके, तो कौन सा वाला नॉट, सेंटेंस इज यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि ऐसा वाला नॉट यूज करना है हमको। ओके, तो देखो इधर किया है ना, मैं इसको रफ कर रही हूं तो आपको अच्छे से दिखे। अब दिख रहा है ये वाला नॉट ऐसा यूज करना है, तो इसके लिए आपको ये लर्न किया होगा तभी आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, क्या कहा है, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, और ब्रैकेट में क्या दिया है, रैबिट। तो हम इधर क्या लिखेंगे, द रैबिट, फिर इस हम जो ऐसे हेल्पिंग वर्ब हो गए कौन कौन से, एम इज आर वॉज वेर, है ना, वो भी याद करने की अभी जरूरत नहीं है, आप इसके साथ ये याद कर लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, है ना, कि इसके बाजू में ही नॉट आता है और उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे। इधर नॉट नहीं दिया गया है पर हमको पता चल जाएगा कि इज दिया है इधर, तो हम क्या लिखेंगे, इजंट, द रैबिट इजंट अ बिग एनिमल। ओके, अब फर्स्ट सुनंदा इज अ नर्स, तो अंडरलाइन वर्ब कौन सा है, नर्स, उसके बदले हमको क्या लिखना है, डॉक्टर, तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, डॉक्टर, और इधर यह है इज, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही इजंट, तो सुनंदा इजंट, है ना, अ डॉक्टर, सुनंदा का सुनंदा। फिर नॉट लिखना है हमको शॉर्ट फॉर्म वाला, तो इजंट हो गया, फिर अ और नर्स के बदले हमको क्या लिखना है, डॉक्टर, तो हमने इधर लिख दिया है डॉक्टर। अब उसके बाद है सेकंड वाला, वो है द डॉग कैन स्विम, ब्रैकेट में है मंकी, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, डॉग, तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट वाला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, द मंकी, तो ये रहा द मंकी। अब इधर कैन दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, कांट, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कांट, द मंकी कांट स्विम। ओके, उसके बाद थर्ड है द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, अंडरलाइन वर्ड है टाइगर, ब्रैकेट में दिया है लायन, तो हम लिखेंगे द लायन, द लायन, है ना। फिर
इज, तो इसका लिखेंगे इजंट. द लायन इजंट अवर नेशनल एनिमल. पीछे फुल स्टॉप तो हम सब में करेंगे. ओके फिर फोर्थ है द काउ हैज अ लॉन्ग टेल. अंडरलाइन वर्ड काउ, ब्रैकेट वर्ड गॉट. तो काउ के बदले क्या लिखेंगे हम गॉट. द गॉट हैज दिया है तो क्या लिखेंगे हैजंट. द गॉट हैजंट अ लॉन्ग टेल. उसके बाद फिफ्थ वाला है यस्टरडे दे वर प्रेजेंट. अंडरलाइंड वर्ड प्रेजेंट, ब्रैकेट वर्ड एब्सेंट. तो हम क्या लिखेंगे इधर यस्टरडे का यस्टरडे. यस्टरडे दे वर वेरेंट है ना. यस्टरडे दे वेर, नोट लगाएंगे यस्टरडे दे वेरेंट एब्सेंट. सिक्स योर फ्यूचर विल बी गुड. क्या है योर फ्यूचर विल बी गुड. अंडरलाइन वर्ड कौन सा है गुड और ब्रैकेट वाला वर्ड कौन सा है बैड. तो हम क्या लिखेंगे योर फ्यूचर विल बी. तो ये एक अलग सा है ना उसका क्या होगा वॉन्ट. योर फ्यूचर वॉन्ट बी बैड है ना. गुड के बदले हमको क्या लिखना है बैड. यू कैन हैव लिमिटेड फूड फॉर 10 rupees. अंडरलाइन वर्ड लिमिटेड है ना, ब्रैकेट वर्ड अनलिमिटेड. तो यू कांट हैव अनलिमिटेड फूड फॉर 10 rupees. यू कांट हैव अनलिमिटेड फूड फॉर 10 rupees. तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज. ये आप इस ग्रामर बुक में लिखेंगे और इसके शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो ये वाले अच्छे से लर्न करेंगे. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स.